दोस्तों कामठी छावनी परिषद यानी कामठी कंटोनमेंट बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ढेर सारी रिक्वायरमेंट आई है। डायरेक्ट इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू, ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म भरना है फिर वेट करना है। और इंटरव्यू है 12वीं पास से लेके तो ग्रेजुएट तक के टीचर्स के लिए इंटरव्यू है, डाटा एंट्री के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, बहुत सारी जगह है, लैब असिस्टेंट के लिए, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। पूरी डिटेल के हम लोग जाएंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे उनके इंफॉर्मेटिव प्लेस में, यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप अगर जाओगे तो आपको इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा वॉक इन इंटरव्यू का। वॉक इन इंटरव्यू के लिए पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसा आप देख रहे हो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, ये मैं आपको वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किस तरह से रहेगी हम लोग देख लेंगे। पहले जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचर के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए आप देखो 14 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट दी है उन्होंने, जिसके लिए मात्र 12वीं और डीएड, 12वीं डीएड वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आर्ट टीचर के लिए भी आर्ट डिग्री होना जरूरी है। स्पोर्ट्स टीचर्स के लिए भी आपका बीपीएड होना जरूरी है। कंप्यूटर टीचर के लिए आपका 12वीं पास और कंप्यूटर नॉलेज बोला है सिर्फ। देखो कंप्यूटर टीचर के लिए आप सिर्फ 12वीं पास हो, लेकिन आपने अगर एमएससी आईटी किया है तो भी आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, डीएड की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आपका 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या मतलब आप एक तो कंप्यूटर टीचर बन सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, सेम क्वालिफिकेशन के ऊपर। स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और आपका नर्सिंग काउंसलिंग का कोई कोर्स होना चाहिए। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के लिए आपका बैचलर डिग्री सॉरी डेंटल सर्जरी होना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, कंप्लीट डिप्लोमा चाहिए कोर्स फिजियोथेरेपी का। और लैब असिस्टेंट के लिए आपका सिर्फ डीएमएलटी सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, डिप्लोमा कोर्स की भी जरूरत नहीं है, डीएमएलटी अगर सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए असिस्टेंट टीचर और इसके लिए आपका यहाँ पे दिया है 21 जनवरी 2023 को इंटरव्यू होगा, वॉक इन होगा, रिटर्न होगा और यहाँ पे रिटर्न या स्किल टेस्ट का पूरा डिटेल है। 21 जनवरी 2023 को आपको जाना है कंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, उच्च माध्यमिक शाला माल रोड कामठी कंटोनमेंट में जाना है। पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इंटरेस्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट फॉर रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट होगी वहाँ पे अबाव एड्रेस पे 21 तारीख को आपको जाना है, ठीक है। और आप जाओगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेके जाना है। तो इसके बाद देखेंगे कि इसका फॉर्म, फॉर्म के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे हम लोग। फिर से बैक चलेंगे, बैक चलने के बाद फॉर्म वहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। ये फॉर्मेट जब आप जाओगे तो आपको भर के जाना पड़ेगा पूरा फॉर्मेट। फॉर्मेट की अगर चाहिए तो मैं दोनों का लिंक आपको दे दूंगा, यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ ही आपको ये फॉर्म भर के उनके पास जाना है। तो ये थे डिटेल्स आज के जॉब्स के, पूरा आप अप्लाई कर सकते हो और पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों बैक ऑफिस के लिए रिक्वायरमेंट है, बैक ऑफिस के लिए एक पोस्ट का रिक्वायरमेंट है जिसके इंटरव्यू होगा 21 जनवरी 2023 को 10 बजे से लेके 1 बजे तक, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है अमरावती के लिए। जिसका बी सिविल हुआ है लड़की का वो अप्लाई कर सकती है, जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, ऑटो कैड और आपको एमएस एक्सेल आता है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। इनका नंबर है 9146019214 पे। नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे दोस्तों, व्यवस्थापक के लिए रिक्वायरमेंट आई है जिसके लिए कॉमर्स ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। राजेश्वर राव नागरिक सहकारी पता संस्था पूसद के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, आपको यहाँ पे 27 जनवरी को जाना है पूरा डिटेल के साथ में। बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट 5 पोस्ट है बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए, और रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री के लिए 5 पोस्ट है। ऑफिस बॉय के लिए 2 पोस्ट है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है SBR हाल मार्किंग सेंटर, SBR हाल मार्किंग सेंटर @gmail.com। कुछ अगर दिक्कत है तो 9370828236 पे आप कॉन्टैक्ट जरूर करें। दोस्तों सेल्स इंजीनियर चाहिए और सर्विस इंजीनियर, सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए और विदर्भ रीजन के लिए ये रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले लड़के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको sales@mhindustries.in मतलब mhindustries.in sales@mhindustries.in 9422145101 पे कॉन्टैक्ट करना है। फ्लेक्स और बैनर बनाने के लिए भी कोई लड़के लड़कियों का रिक्वायरमेंट है, लड़कों का रिक्वायरमेंट है 9500 आपको मिलेगा। गोलचा एड में रिक्वायरमेंट है 401 चौथा बड़ा रजत संकुल 2 बस स्टैंड के पास राय उद्योग बैंदन चौक नागपुर। HLL लाइफ केयर लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड में रिक्वायरमेंट आई है उनका, अमृत फार्मासिटी आउटलेट्स है एम्स नागपुर में, ठीक है, एम्स नागपुर में है मिहान में, और मिहान में उनको चाहिए डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन, जिसके लिए बीफॉर्म एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट चाहिए, फार्मासिस्ट के लिए बीफॉर्म डीफॉर्म वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट फार्मासिस्ट चाहिए सिर्फ बीफॉर्म डीफॉर्म वाले, आपका यहाँ पे डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन के लिए ऑनलाइन आप बिफोर 26/1/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू होगा डिप्टी मैनेजर के लिए अलग से, और बाकी जो कैंडिडेट इंटरेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ फार्मासिस्ट असिस्टेंट फार्मासिस्ट में वॉक इन इंटरव्यू 20/1/2023 को।
मतलब जो फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, उनका डायरेक्ट वॉक इन एंड होगा। डेप्यूटी मैनेजर के लिए सिर्फ एप्लीकेशन भेजना है। आपको जाना पड़ेगा 10 बजे से 1 बजे तक, लेजेंड इन, ये होटल है 15 मॉडर्न सोसाइटी वर्धा रोड नागपुर में। आपको डिटेल भेजना है rbdhr@livecarehll.com पे। कुछ अगर दिक्कत है तो स्क्रीन पे आपके नंबर है, ये गवर्नमेंट इंडिया एंटरप्राइजेस की कंपनी है। सो दोस्तों ये थे जॉब्स, ऐसे जॉब्स के लिए आप हमको लाइक सब्सक्रिप्शन करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, धन्यवाद।